यमुनानगर जिले के अल्हार गांव में रहने वाले राहुल कुमार जो आजकल जर्मनी में रहते हैं, वो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। जर्मनी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने राहुल कुमार ने बताया कि अपने देश व अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी प्रेरणा हो, उन्हें भी अपने पर गर्व महसूस हो। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो पावन धरती है उसका आशीर्वाद ले और दूसरे देश में भारत को अच्छे से प्रस्तुत करे। राहुल कुमार, आई एम पार्लर मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। यहाँ पर अभी डेढ़ दो हफ्ते से भारत आए हुए हैं और मैं ये सोचता हूँ कि अपने देश के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं हमारे, उनको लिए भी एक प्रेरणा हो कि देश में वापसी आने कर पुनः प्रोजेक्ट करें, देश में वापसी आकर तो लोगों से मिले। बहुत अच्छा लगा, आप सबने मिट्टी है चेहरों पे बहुत प्यार देख रहा हूँ अपने लिए, और मैं आपके लिए कुछ भी करता हूँ अच्छे से, तो आप हमसे संपर्क जरूर करना। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई इंसान उसके फॉलो करता है, हर कोई इंसान उससे जुड़ा रहता है, मगर याद रखना जाता है आजकल इंसान और 90% फोन के साथ हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, मैं तो बोलूँगा हमारे एशियंस भाई रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा है ही भेदभाव नहीं है, तो सबके साथ वार्तालाप करना पड़ता है। उस हिसाब से हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो यहाँ भाषाओं का साथ देते हैं। आप देखिए 2016 से लेकर 18 तक मैं मैजिस्ट्रेट काउंसलर था, हमारी सिटी फ्रैंकफर्ट एल्साबाख है जो एयरपोर्ट के पास पड़ती है, वो थोड़ी छोटी सिटी है, पर वहाँ पर मैजिस्ट्रेट काउंसलर था 4 साल तक। उसके बाद 2018 से 19 में वाइस मेयर था उस सिटी का। फिर हमने फ्रैंकफर्ट से, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, वहाँ से हमने चुनाव लड़ने की कोशिश की। आज से पहले किसी भी भारतीय एशियन ने वहाँ से सीट नहीं जीती, हमने वहाँ से सीट जीती है। लेकिन मैं तो बताऊँगा कि हमें सबसे पहले खुद एक आदर्श बनना चाहिए। हमें आदर्श कैसे बनेंगे कि हम उस चीज़ पर खुद चलेंगे, तो खुद चलने के बाद हम खर्चा नहीं करना चाहते सरकार का, बल्कि जितनी भी सिक्योरिटी है हमने उसको रिड्यूस करवाया है, जितने भी कम खर्चा हो सके उस खर्चे में काम हो जाता है। हमें अपने देश में आकर, अपने भाई में आकर क्या खतरा है, ये बात ने अपने आप से पूछा तो मुझे कोई जवाब नहीं आया। ये पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें कार्य करने में टाइम लगते हैं, चाहे वो किसी भी देश की राजनीति हो। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।